हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे दोस्तों। आज हम आए हैं प्रतापगढ़ पोर्ट अलवर राजस्थान, जो कि अभी पहुंचने वाले हैं। ऊपर हैं, बहुत नीचे खड़े हुए हैं अभी। तो ये प्रतापगढ़ गांव है और किला तो अभी और ऊपर चलना होगा। चलते अंदर। किला ऐसा मिलेगा देखने को अंदर, पता नहीं इसमें से क्या देवते पूज रखे। ये क्या है भाई? सारा तोड़ फोड़ कर रखी है भाई। ऊपर चल के देखते हैं इस पे क्या है। ऊपर से सब टूटा हुआ है। यहाँ तक आगे जाने की जगह है नहीं। चलते हैं इसे परली तरफ देखते हैं। और है सीढ़ियां भी टूटी हुई है वैसे। कबूतर उड़ रहे हैं भाई। यहाँ ऊपर से इस तरह है ये। इधर चल कर देखते हैं क्या ये। ये पानी का टैंक है पुराने जमाने का, देख सकते हो। अंदर अंधेरा अंधेरा हो रखा है भाई साहब। सीढ़ियां उतर रही हैं इसमें। चले साले में देख के। चलो देखते हैं अंदर क्या है। क्या देखते हैं। चलो भाई, रिक्स तो बहुत है ही। बाकी यार क्या है यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तय खाना है भाई पूरा। हटो रही है मेरी तो। इस तरह से भाई साहब पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है और ऊपर से टूटा हुआ है, देख सकते हो सारा। अंदर घसी हुई ज्यादा कुछ तो नहीं है इसमें। चलो और ऊपर ऊपर चलते हैं एक बार, वहां पे देखते हैं ना।
आ जाओ। सीढ़ियां सारी टूट गई। चलते हैं वहां पे, देखते हैं क्या है। देख सकते हो भाई साहब इधर का नजारा, ये गांव के दूसरी साइड का है, किले के दूसरी साइड का गांव का नजारा। यहां से तो ये टूटा हुआ है मतलब ऐसे। चलो अंदर वापस चलते हैं। नहीं, खेती वेती कर रखी है गाँव वालों ने। वहां पे चलेंगे बाद में, एक बार इधर से देख लेते हैं इनको। देख सकते हो क्या खूबसूरत नजारा है। ये किले की सबसे ऊंची इमारत है, वहाँ पे चलेंगे बाद में एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से इस पे जाने का तो यहाँ पे रास्ता इधर की साइड है, शायद वहाँ से जाएंगे पल्ली साइड जब देखते हैं उसे। वहाँ पे चल के देखते हैं, देख सकते हो क्या घास उगी हुई है यहाँ पे बड़ी बड़ी। सारा तोड़ रखा है ये ऊपर से। ये देखो नजारा, नीचे चल के देखते हैं इसमें। कांटे बहुत है भाई इसमें, की करोगी करोगे। उधर नीचे उतरने का रास्ता तो इस पे चलते हैं। देख सकते हो किले का नजारा एकदम झक्कास। इस दीवार तोड़ी हुई, तोड़ रखी है सारी, नीचे भी गिरा हुआ है और ये देखो सारा तोड़ रखा है। ये चौथे हवा भाई साहब यहाँ पे एक नंबर आ रही है। खाली अंधेरा हो रखा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी इसमें भी वही सीढ़ियां हैं।
चलते हैं इसमें एक बार देखने। चल देखते हैं। वैसे बहुत पतली पतली सी वो है जगह, देख सकते हो निकला भी नहीं जाएगा। ये पुराने जमाने की टंकी हुआ करती थी, अंडरग्राउंड टांका बोलते हैं जिसे। देखो बहुत गहरी है भाई साहब, बहुत देख सकते हो आप। ये देखो, ये देखो, और भैया वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो इसमें पत्थर वत्तर ये टूटे हुए होते हैं ना, वो गिरे हुए हैं उस पर। यहाँ से साइडों से पानी आता था इसमें पहले, किले का जो भी पानी आता था वो आया करता था यहाँ पे। चलते हैं ऊपर और देखते हैं और कुछ। सीढ़ियाँ देख सकते हो आप कितनी भयानक हैं और गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये देखो वैसे निकलने तक की जगह नहीं है। इधर चलते हैं हम। टांका ये बना हुआ है, ये भी उसी टाइम का है ऐसा ही जैसा अभी हम उतर के देख के आए थे, लेकिन ये आकार में बड़ा है उससे और यहाँ से फूटा हुआ है अंदर से तो। और एक उधर की साइड भी है तो एक बार उसमें चलते हैं, फिर इसमें सारे चलेंगे पूरी टीम के साथ। बहुत भयानक सीन है भाई साहब। चमगादड़ है इसमें, ये देख सकते हो, ये उससे भी बड़ा टांका है। ये भंडार या फिर टांका लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहे हैं ना पानी आने के इसमें, तो उस हिसाब से तो वही लग रहे हैं। और ये देख सकते हो आप गंदगी है चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा। ऊपर देखो चलते हैं अंदर वही। चल इसमें और देखते हैं। ये बहुत बड़ा है, वहां तक है, वहां तक नहीं, इसमें यहां से है रास्ता, ये दिख रहा। चलते हैं इसमें देखते हैं। ये देखा नहीं भाई बहुत, ओ भाई साहब इसका तो सीन ही खतरनाक आ रहा है यार, फट रही मेरी, बहुत भयानक है भाई साहब। ये समझ नहीं आ रहा, ये इस तरह के टांका तो नहीं, टांका तो नहीं हो सकता यार। ये हाँ ये हो सकता है, बहुत गंदगी है नीचे यार, इसमें चामचीड़ भी हो सकती है। और ये देख सकते हो भाई साहब गंदगी तो बेमिसाल है, बाकी ये टांका नहीं है यार, ये सीन कुछ और है भाई साहब। ये टांका नहीं, हथियार हथियारों के भंडार भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा है यार ये, सबसे बड़ा है। अंधेरा है इसमें पूरे में, और ये भाई साहब है
चलते हैं बाहर, यहाँ तो बहुत गंदगी है, मतलब बदबू रखी है बहुत ज्यादा। चलते हैं, निकल आ जाया दो। देख सकते हो इधर से आप, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये हो रहा है यार, इसमें जाने का अंदर रास्ता नहीं है, रास्ता है उधर से। हाँ तो इसमें और चल के देखते हैं एक बार। तो ये भी वो सेम है, इसमें टूटा हुआ है इसलिए अंधेरा नहीं आ रहा है। ये देखो बहुत ऊंचे ऊंचे खंभे लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। और ये देख सकते हो बहुत बड़े हैं बहुत। अब इसको टांके बोले हैं क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा। और बाकी ऊपर ये देखो कैसे छत डली हुई है, ये लकड़ी के हैं या पत्थर के हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा देखने में, क्योंकि थोड़ा अंधेरा है ना इस वजह से। और बाकी आप देख सकते हो बहुत ऊंचे ऊंचे गुम्बद से हैं, ये देखो ऊपर से टूटा हुआ है। इस तरह का बना हुआ है, पेड़ उग गया है तो यहाँ पे। चलो ऊपर चल के देखते हैं और है? आ जाओ। है ना बुरी को तय खाने तय खाना ये देखो भाई साहब, ये मतलब बहुत खुदा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे भी कुछ होगा। ऐसे बताए जाते हैं कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले कुछ सोना चांदी खोद के लेके गए थे यहाँ से, बताया जाता है ऐसा। मैंने कितने ट्रक खुदे थे यहाँ पर, तो वो है। बाकी टूटा हुआ है यहाँ तो सब कुछ खास नहीं है। और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं इधर की साइड की दीवार टूट गई है, और इस पे जो भी पत्थर लगे हुए हैं ना, ये बहुत स्लप करने वाले हैं, शूज इस पे से ऐसे फिसल रहे हैं। पूछो मत, और देखता हूँ। एक बार इधर इसमें अंदर जाकर देख के आते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है वैसे भाई साहब, देखते भाई साहब। ओहो, इतनी गंदगी बदबू आ रही है भाई साहब। भाई साहब इतनी बदबू है ना पूछो मत। ये अंदर से ज्यादा इतना ही है, ये तो इधर की साइड चल कर देखते हैं। सारा कुछ टूटा फूटा है भाई साहब। इस साइड में इसमें है एक, इसमें देखते हैं।
ये है भाई, ये तो बहुत भयानक है। अंदर अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। और इधर की साइड चलकर देखते हैं क्या है, देखते हैं। इसमें वैसे चामचीड़ लगी हुई बहुत ज्यादा, बहुत बहुत भयंकर, देख सकते हो आप, बहुत अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब अकेले इंसान की तो भाई आराम से फट जाती है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। मैं भी वैसे भाई डर डर के ही चल रहा हूँ इसमें, क्योंकि बहुत भयानक जगह है ये, बहुत कह सकते हैं इसे। यहाँ पे रुक गया है अंदर, और कुछ नहीं, पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। कुछ चलते हैं वैसे बाहर, ऊपर से ऐसा है, इस टाइप का है, ये देख सकते हो। इधर ये इधर कितना बड़ा है, ये भी छोटा ही कमरा, छोटा ही है। चलो इधर की साइड और देखते हैं। हाँ, आपको दिखाया था एक छोटा ही कमरा है। चलते हैं इधर और देखते हैं ऊपर, वहाँ पे भरा हुआ पानी है। चलो देखते हैं भैया, पानी भरा हुआ आता रहे। चलो इसमें देखते हैं, इसमें भरा हुआ है भाई साहब पानी। ये टांका है, जिस तरह वहाँ दिखा रखे थे हमने, उसी तरह का है, देख सकते हो। बिल्कुल क्लीन पानी है एकदम, बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप, बहुत क्लीन पानी है। ये उसी तरह का टांका है, इसकी सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं, ये रही। तो इसमें यहाँ से दिखाई दिया है मैंने आपको, और ये देखो सारे तहखाने ही तहखाने हो गए हैं भाई। सारा खंडर को रखा है, बहुत भयानक और बहुत गहरी लग रही है भाई साहब इसमें। तो अभी बहुत ज़्यादा, तो चलो देखते हैं भाई साहब क्या सीन है इसका। भाई साहब अंधेरा तो इतना है, पूछो मत। और बाकी चामचीड़ है भाई साहब इसमें, लकड़ियों के सपोर्ट लगे हुए हैं पुराने ज़माने के, और चामचीड़ों की आवाज़ आ रही है बहुत भयंकर। भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, चामचीड़ी चामचीड़ दिख रही है। तो इसमें अंदर जाने का तो भाई सीन खतरनाक लग रहा है मुझे। बाकी भाई तुम्हें देखने के लिए मैं अंदर जा रहा हूँ दिखाने के लिए, ये देख सकते हो अंदर से सारा तोड़ फोड़ कर रखी है इसकी सारे की। वैसे यहाँ से आगे कैमरे में कुछ आ नहीं रहा है, तो बस चलते हैं बाहर और देखते हैं। इधर और है, ये देखते हैं क्या है। यहाँ पे तहखाना है बहुत बड़ा। हाँ इधर की साइड आओ भाई साहब, बहुत बड़ा तहखाना है, एक बार इधर देख लेते हैं फिर उसमें बाद में देखते हैं। इधर की साइड आ जाओ एक बार, इधर तहखाने तो बहुत ज्यादा हैं भाई साहब इसमें। इसमें देखते हैं भाई क्या सीन है, कुछ नहीं दिख रहा है। एक ये तहखाना है, इसमें तहखाना नहीं है यार, ये तो इतना बड़ा है। इसमें देखते हैं क्या सीन है, चामचीड़ चामचीड़ों की आवाज आ रही है।
देखो भाई, बहुत भयानक जगह है कुल मिला के भाई साहब, बहुत भयानक कहते हैं उसे। ये आगे ऐसे कमरे से हैं, इनमें तो कर छोड़ छोड़ते हैं और ऐसे ऐसे बने हुए हैं। ये किले के दूसरी तरफ का छोर है, यहाँ से दिखता है। चिड़िया आवाज ज्यादा कर रखी है पे। इसमें चल के देखते हैं ऊपर है। चले ऊपर चलते हैं। ना हुआ है हम पानी है। किधर से इधर से चलते हैं आगे इधर से। तो ऊपर से किले का व्यू है भाई साहब, ऐसा ये देखो। ऐसे हैं भाई साहब, ये साइड की गुम्बद है और ये नजारा देखो भाई साहब। वो भी एक इसी किले का ही वो पार्ट है जहाँ पे मतलब वो ध्वज ध्वज लहराया करते थे ना, वो लगता था वहाँ पे। वहाँ का रास्ता नीचे से है, वो पल्ली साइड से जाएंगे जब देखते हैं उसे। इधर साइड में चलते हैं और देखते हैं। ये जगह बिल्कुल क्लियर है, देखो इस पे क्या रंगोलियां बनाई हुई भाई साहब। ये चित्रकला भी इधर चल के देखते हैं। और ये देख सकते हो ये पिलर पहले के ही हैं क्या, संगमरमर के से लग रहे हैं, काई के हैं, पत्थर ही है भाई। वैसे ही है तो सारा ध्वस्त तोड़ फोड़ कर रखी है इसमें से भाई। इधर भी ये देखो भाई साहब, चीड़ों ने गंदगी कर रखी है यहाँ पे। ये नजारा देखो भाई साहब पूरे किले का। ये देख सकते हो भाई साहब, ये भी सेम उसी तरह का है। ऊपर चलकर और देखते हैं इस पर।
सूर्य की किरण पड़ रही है सामने से। ऊपर का व्यू तो भाई साहब एक नंबर का है ना, मजा आ रहा है यहाँ पे, हवा एक नंबर की लग रही है भाई साहब। ये देख सकते हो आप, बहुत बड़ी छत है इसकी, बहुत। और इस किले में जो भी सब कुछ था वो हमने वीडियो में दिखा दिया है, अब जगह बची है तो सिर्फ वो बची है, उसमें जाकर हम अब देखेंगे क्या है यहाँ से चलकर। और चलो यहाँ से इधर की साइड एक और है जहाँ पे एक तोप पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलते हैं वहाँ पे। देख सकते हो भाई साहब कितना खतरनाक मंजर है, यहाँ से अगर आदमी कूद जाए ना चलते हैं वहां पे, एक तोप है वो देखते हैं। ये सब टूटा हुआ है और ये है भाई साहब वो तोप, ये देख सकते हो, ये उसी तरह की है, एक वीडियो में बना रखी है मैंने बाला किला की, अलवर के बाला किला की, उसमें और रखी हुई है एक तोप ऐसी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, देख लेना, सेम ऐसी की ऐसी तोप थी वो। देख सकते हो बहुत खतरनाक हैवी लोहा यूज किया गया है इसमें, ये कम से कम 30-40 आदमियों से उठती होगी भाई साहब, बहुत खतरनाक है। चलते हैं इधर और देख लेते हैं, हाँ नीचे चलेंगे एक बार यहाँ से और देख लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे भी कोई पहले का तिरंगा ध्वज ध्वज लहराया करता था है ना, यहाँ पे भी वो तोप रखी हुई थी। अच्छा तोप थी यहाँ पे, ये जो भी गुंबद बने हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, जो भी ये सब तोप के स्टैंड है जो, अच्छा अच्छा, उस पे भी सामने हाँ हाँ वो तोप थी। चलो ये भी किसी समय के लिए रक्षा के लिए, तो चलते हैं वहाँ परली साइड, मैंने आपको बताया था वहाँ देखते हैं, और एक मंदिर और है इसमें वो और देखते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर की सीढ़ी है, इस पे से चढ़ के यहाँ पे एक दुर्गा माँ का मंदिर है वो देखते हैं और चलते हैं भाई साहब। लगता नहीं यहाँ पे कोई है, बस ये माता माता का मंदिर है, यहाँ पे पुताई कर रखी है यहाँ पे सफेदी से, बाकी ऊपर से ये आए थे हम, देखते हैं अंदर। चलो शूज खोल देते हैं एक बार, ये माता का मंदिर है बंद कर रखा है जी। देख सकते हो यहाँ पे यहाँ कोई पुजारी वगैरह रहा करते थे, ये पुरानी जमीन नहीं की है। यहाँ पे ये है भाई साहब यहाँ का मंदिर, जो कि गुफा टाइप का है एक अंदर, और देख सकते हो आप अंदर से, देख सकते हो पूरा गुफाओं के अंदर है ये मंदिर, अंधेरा अंधेरा रहता है यहाँ पे। इधर ये अगरबत्ती वगैरह रखी हुई है, और अंदर ही देख सकते हो आप ये माता की मूर्तियाँ हैं। चलते हैं बाहर देखते हैं और
इस पे गेट लगा हुआ है, इधर भी ये बंद है। तो दोस्तों आप पहुंचे हम इसके नीचे, अब चलते हैं इसमें और इसमें और देखते हैं क्या सीन है। बुरी तरह फोड़ रखा है ये देखो लकड़ियाँ। ये समझ नहीं आ रही, ये मतलब पानी भरा रहता था पहले यहाँ पे, क्या सीन था? टांका वहाँ का था ये पहले, इसके ऊपर लेंटर था, इसमें इसका पूरा पानी इसके नीचे आता था। चलते हैं ऊपर और देखते हैं भाई साहब ये क्या है। अरे ये तो वही चामचीड़ों का घर है भाई साहब, वही छोटे छोटे कमरे और दीवारें, ये तोड़ फोड़ हो रखी है इसमें ऊपर से। इधर चलते सीढ़ियों, वही छोटी छोटी सीढ़ियाँ ये देख सकते हो इसमें। देखो ये पता नहीं किस चीज़ की लकड़ियाँ लगी हुई हैं, जो आज भी एकदम ऐसे लग रही हैं जैसे नई लकड़ियाँ हों, देख सकते हो आप। और इधर और सारा तोड़ रखा भाई साहब, टूट भी सकता है अंदर गई तो। ये देख सकते हो भाई साहब आप, ऐसा है यहाँ पे ये। और ये फिर वैसा ही छोटा सा कमरा सा है, इसमें अंदर और देखते हैं। ये अंदर तो टूटा हुआ है सर, सारा तोड़ रखा है पूरा का पूरा, वहाँ से और यहाँ तक। मुझे तो ऐसा लगता है कि तगड़ा ही खजाना खोदा भाई। ऊपर की सीढ़ियाँ तो टूटी हुई हैं, लेकिन चढ़ते हैं भाई क्या करें। ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसा है भाई साहब ये। ये ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे, इधर देख सकते हो। दोस्तों पूरा किला आपने देखा और इसमें बहुत सारे तहखाने भी मिले, प्राचीन चीज़ें भी मिली, और वहाँ पे मंदिर था जहाँ से अभी आए थे, और ऊपर से आए ऊपर भी गए थे। ऊपर का हमने आपको सब नज़ारा दिखा दिया, अब किले का ये नज़ारा रह रहा था, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो और देख सकते हो बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे प्रतापगढ़ शहर का भी और किले का भी। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।